हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट, और कुछ ना कुछ नया आप सीख रहे हैं। जैसे कि कल हमने जीन पियाजे पढ़ा, तो वहां पर आपने बहुत कुछ नया सीखा। ठीक है, अब आज यहाँ पर फिर से हम एक सिद्धांत लेकर आए हैं, जो कि है कोहलर बर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इससे पहले जो पढ़ा था जीन पियाजे, वो भी बुद्धि से संबंधित था और ये भी बुद्धि से संबंधित है, लेकिन बुद्धि के अलग अलग फैक्टर बताए थे। वहां पर संज्ञानात्मक विकास की बात की थी, ज्ञान की बात कही थी किसने, कोहलबर्ग ने, लेकिन इन्होंने इसकी नैतिकता की बात की, और दोनों ही रिलेटेड होते हैं हमारे बुद्धि से, तो बुद्धि के ही सिद्धांतों में इनको भी हम काउंट करते हैं। तीसरा एक वाइगोत्स्की का भी है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। अंतर थोड़ा सा है, सबने अपना अपना एक फैक्टर अलग अलग बताया, इसीलिए ये अलग अलग सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत है क्या, कुछ भी नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिकल समझ लोगे ना, ये सिद्धांत आप पर भी यानी बच्चों पर भी फॉलो होते हैं। तो वो कैसे फॉलो होते हैं, अगर आपने एक बार इमेजिन कर लिया तो आपको इस सिद्धांत को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस चैनल पर आपको नया क्या मिलता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आपको रचनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं इस चैनल पर। अगर आप रचनात्मक हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के, मतलब एक्सप्लेन के साथ बताएंगे उस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझ लो क्या है, कि जो हमारा हम पढ़ते हैं पेडागोजी, ठीक है, सिर्फ अभी आप ले लो पेडागोजी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेडागोजी किसके लिए है। ऑप्शन पहला, दो ही हम आपको ऑप्शन देंगे, एक तो छात्र है, दूसरा ऑप्शन बी शिक्षक है। इसका आप हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा आप कितने क्रिएटिव हैं या आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, उसके अलावा आज बात करेंगे हम जो नैतिकता का सिद्धांत है, उसमें सबसे पहली बात ये करनी है कि जो कोहलरबर्ग ने सिद्धांत दिया था वो कहाँ के निवासी थे, तो वो थे आपके अमेरिका के। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, क्योंकि जैसे कि जीन पियाजे के बारे में पूछा था DSSSB में, तो हो सकता है अगली बार किसी एग्जाम में इनके बारे में पूछे। इनकी जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था, और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब ये सिर्फ 60 साल तक जीवित रहे थे, और अगर जीन पियाजे की बात करें तो वो 84 साल तक जिए थे। चलिए अब बात करते हैं कि जो नैतिकता का सिद्धांत है वो क्या है। तो जो एक छोटी सी बात और समझ लो इससे पहले, इन्होंने यहां पर 4 से लेकर के 16 वर्ष या इससे अधिक के बच्चों पर प्रयोग किया था, और इन्हीं के वर्गीकरण को उन्होंने अलग अलग नाम दिया, मतलब अलग अलग एज के बच्चे 3 जगह बांट लिए। ठीक है, अब ये नाम कैसे याद करें, बहुत भूल जाते हैं हम, तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो नैतिक वर्ड है, ये नैतिकता जो है वर्ड, वो एक समाज से रिलेटेड है, मतलब हम समाज में किस प्रकार से चलते हैं, मतलब समाज में हमारे संस्कार क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, उसी को हम अगर रूल को फॉलो कर रहे हैं जो समाज में बने हुए हैं, तो हम नैतिक हैं, और नहीं कर रहे तो नैतिक नहीं है। समझ गए, तो अब समझना जो रूल पुराने होते हैं या फॉलो हम करते चले आ रहे हैं, उनको हम बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि वो तो परंपरागत है, रूढ़िवादी है। आपने एक रूढ़िवादी सुना होगा वर्ड, रूढ़िवादी मतलब वो अपने में परिवर्तन करना नहीं चाहता, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो ही फॉलो कर रहा है। तो ये समझ, सीधा समझ लो, नैतिकता का संबंध किससे है, समाज, समाज में जो रीत रिवाजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जो परंपरागत हैं, कैसी हैं, रूढ़िवादी। तो यहां पर ये देख लो एक सेकंड, रूढ़िवादी तो समझा। अब रूढ़िवादी कैसा कैसा हो सकता है, एक रूढ़िवादी प्रेजेंट में है तो इसको हम रूढ़िवादी ही कहेंगे, यानी देखो रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, हमने क्या बताया था, जो कोहलरबर्ग थे उन्होंने बच्चों को 4 से 16 साल के बीच के बच्चों को अध्ययन किया था, परीक्षण किया था, और उन्हीं को उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में दिया। तो जो बीच की अवस्था के बच्चे थे उन्हें हमने कहा, कहा रूढ़िगत यानी परंपरागत अवस्था, परंपरागत यानी रूढ़िगत मतलब वो समाज के नियमों को मानने वाले थे, मतलब बदलना नहीं चाहते थे वो। तो उन्होंने 3 अवस्थाएं क्या कही, एक तो पहली उन्होंने बनाई 4 से 10 वर्ष, तो जो मिडिल में था वो वर्तमान था, तो उसको तो कोई हमने वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उससे पहले, वर्तमान से पहले होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व, और वर्तमान के बाद हो जाए उसको बोलेंगे उत्तर यानी बाद का। ठीक है, तो देखो पूर्व की अवस्था, इसको पूर्व को प्राक भी कहते हैं, जैसे प्राचीन काल तो ना प्राक काल भी कहते हैं, पूर्व को ही हम प्राक बोलते हैं। तो देख लो आप एक बार, ये याद करने का तरीका क्या है, ये नैतिकता समाज से संबंधित, समाज में ही रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, तो रूढ़िगत परंपरागत सीधा मिल जाएगा आपको, और उससे पहले का होगा वो पूर्व रूढ़िगत या
पूर्व परंपरागत अवस्था कही जाएगी और बाद की उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था कही जाएगी। यहां से एक चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसमें, तो ये था क्या, ये एज इन्होंने ली बच्चों पे, जब परीक्षण किया उन्होंने तो उन्होंने देखा कि 4 साल से 10 साल के यानी 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों में एक गुण पाया गया और देखा गया इनके अंदर कुछ अलग गुण पाया गया जो 10 साल से 13 वर्ष के थे, और तीसरा देखा गया 13-16 या उससे अधिक वर्ष वालों में अलग गुण पाए गए। तो उन्होंने 3 कैटेगरी इसकी बना ली, लेकिन इन 3 कैटेगरी में उन्होंने 2 स्तर और देखे। तो ध्यान रखना कि जो कोलबर्ग थे उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं, और प्रत्येक अवस्था में 2-2 स्तर भी थे। जैसे 3 अवस्थाएं प्राक रूढ़गत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, इनमें 2-2 अवस्थाएं हैं। देखो इधर सॉरी स्तर, तो ये एक स्तर ये रहा, दूसरा स्तर ये है, इसी तरह से इसमें एक स्तर ये है और दूसरा स्तर ये है, इसी तरह से तीसरे में है और इसमें भी ये है, समझ गए। तो ये स्तर 2-2 स्तरों में इन्होंने इन 3 अवस्थाओं को बांटा और समझाया। अब क्या समझाया, देखो सबसे पहली बात है जो पूर्व रूढ़िगत अवस्था थी वो 4 साल से 10 वर्ष की थी, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, जो बच्चे हैं इसको उन्होंने एक नाम दिया दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। अवस्था आप अपने आप लगा लेंगे, नाम नहीं लगा है, कौन सा, दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था। अब ये होती क्या है, एक एक करके सबको समझेंगे। तो दंड यहां पर सीखना क्या है, ध्यान ये रखना, ये नैतिकता का ही मतलब है यहां सब जगह जितना भी है, लेकिन सिर्फ फैक्ट अलग अलग हैं। तो देखिए यहां पर बच्चे को अगर हमने नैतिकता सिखानी है तो बच्चा इतना जानकार शुरुआत में नहीं होता, अच्छा बुरा बच्चा बिल्कुल नहीं जानता शुरुआत में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई भी काम करता है उसे नहीं पता, बच्चा दूध फैला देता है आपने देखा होगा, उसे नहीं पता कि दूध फैलाना बुरा काम है, या फिर कोई और काम किसी अदर बच्चे को देखते हुए या किसी को देखते हुए वो करने लगता है, जैसे कि उसने किसी को गाली देते हुए देखा तो वो गाली देना सीख गया, समझ रहे हैं समझे, तो उसे नहीं पता कि गाली एक गलत वर्ड है हमें यूज नहीं करना, तो अच्छा बुरा वो शुरुआत में नहीं जानता है, तो वो करता क्या है, किससे सीखता है, तो फिर वो यहां पर देखेंगे आप दंड और पुरस्कार इसके आधार पर पता लगाता है कि ये अच्छा काम है और एक बुरा काम। जैसे अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो हमने उसे शाबाशी दी, टॉफी दी या कोई अन्य पुरस्कार दे दिया जिससे कि बच्चे को समझ में आ गया, हमने उसको तारीफ करी, उसके सामने हंसे, वाह अच्छी बात वर्ड यूज किया या कुछ दे दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये अच्छा काम है। लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया और हमने उसको डांट दिया, दंड दिया, तो उसे समझ आ जाएगा क्या कि ये एक बुरा काम है। तो दंड और पुरस्कार के आधार पर वो कार्य की नैतिकता का पता लगाता है कि वो कार्य कैसा है। तो ये हमारा था पहला। दूसरा है इसमें स्तर सापेक्षवादी अवस्था। क्यों कहा गया सापेक्षवादी, पहली चीज तो ये देखी गई कि वो दंड और पुरस्कार के आधार पर पता लगाता है, दूसरा ये भी देखा गया कि अगर हम उससे कोई काम करवाएं, कितने साल का बच्चा है, 4 साल से 10 साल का बच्चा, आप माइंड में ले लो कोई 4 साल का और 10 साल, आप अगर कोई काम करवाएंगे तो इतने आसानी से वो काम नहीं करता, लेकिन अगर आप कहें कि बेटा ऐसा करो ये काम कर दो, 2 टॉफी देंगे, तो वो काम कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको इसके सापेक्ष कुछ चाहिए, सापेक्षवादी होता है। क्यों, देखिए यहां पर वो आपका काम नहीं कर रहा है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपना काम करता है। जैसे आपने कहा कि हम आपको क्या दिलवाएंगे, हम आपको दिलवाएंगे कपड़े, आप ऐसा करो आज स्कूल जाओ, लौट के आओगे तो हम आपको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तो वो आपकी इच्छा के लिए नहीं कर रहा, वो जा रहा है वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको टॉफी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें समझ गए आप, एक दंड के द्वारा और दूसरा पुरस्कार के द्वारा समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ये सोशियल है, सामाजिक है, नैतिकता कैसे लाएंगे बच्चों में, ऐसे ही तो लाएंगे दंड और पुरस्कार शुरुआत में। दूसरा, हम अगर बच्चे से काम कराते तो आपने देखा होगा बच्चों को कुछ ना कुछ उसके लिए देना पड़ता है करवाने के लिए, तो वो समझ जाते हैं कि हमें ये चीज मिलेंगी तो हम करते, तो ये हो गई आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। तीसरी चीज आ जाइए, तो तीसरा स्तर आपने देखा कहां से कहां तक है, 10 साल से 13 वर्ष तक रूढ़गत या परंपरागत अवस्था को। तो इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती है, जब बच्चा आपने देखा होगा, देखो यहां भी 10 वर्ष है तो इतना वो मत लेना, क्योंकि यहां से यहां तक का थोड़ा अंतर कम होता है, तो यहां पर आप 9 साल भी ले सकते हैं, 9.5 साल या 10 साल 5 महीने या 5.5 साल ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अंतर लेना होगा आपको, तो समझना होगा क्या है। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक प्राइमरी का बच्चा है, क्लास 5 में पढ़ रहा है,
तो क्लास फाइव में अगर पढ़ रहा है तो अगर छह साल पे उसका एडमिशन हुआ है फर्स्ट में, तो अब वो लगभग 11 साल के आसपास होगा। अब 11 साल का जो बच्चा है, अब आप देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि उसकी कोई प्रशंसा करे, तो वो कोशिश करता है कि अपनी प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कार्य करे। अगर आपने उसकी प्रशंसा के लिए उसे शाबाशी दी, सॉरी उसके अच्छे कार्य के लिए उसे शाबाशी दी, तो उसे ये प्रशंसा अपनी लगेगी और वो अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर वो प्रशंसा और निंदा में पूरी समझ हो जाती है कि प्रशंसा किस कार्य के लिए होती है और निंदा हमारी किस कार्य के लिए, मतलब हमें जो दंड मिलता है वो किस कार्य के लिए और कहां। ठीक है, तो यहां पर बालक हमेशा चाहता है कि उसकी स्वयं की प्रशंसा हो और उसके लिए वो क्या करता है, क्लास में या कहीं भी अच्छे अच्छे कार्य करता है, अपनी प्रशंसा पाने का इच्छुक होता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा स्तर, समाज के लिए समाज के नियम एवं कानून अपनाना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए समाज के नियम एवं कानून अपनाना की अवस्था कौन सी होती है, 10 से 13 साल का जो बच्चा हम अभी बात कर रहे थे उसी की। तो अगला है हमारा स्तर, समाज के नियम एवं कानून अपनाना। इसका मतलब क्या है, आपने देखा 10 से 13 वर्ष का बालक जो स्कूल में था, अब वो क्या करता है कि समाज के द्वारा या उसकी संस्था के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो उनको फॉलो करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में, वो 10 से 13, तो ये कहां आएगा आपका, रूढ़िगत में। आप देखेंगे जितने हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपके स्कूल से रिलेट करके, जैसे 10 से कहां से है, 10 से 13 साल का बच्चा, तो 10 से 13 साल का बच्चा जो होगा आप प्राइमरी स्कूल का मान के चलिएगा, क्योंकि 11 साल तक बच्चा 12 साल तक प्राइमरी में रहता है, तो हम एक अपना ओवरव्यू लगाने के लिए, याद रखने के लिए हम इसको मान सकते हैं। और यहां पर मानेंगे कि समाज को मान लेंगे उसका विद्यालय, तो विद्यालय के नियम कानूनों को वो अपना लेता है और अपनाता है और उन्हीं को ध्यान में रख करके, यानी कानून को ध्यान में रख करके ही वो अपने सारे कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर उसे इनको करने से प्रशंसा भी मिलती है, क्यों, क्योंकि नियम फॉलो करेगा तो बच्चा अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से आप कोरिलेट कर लेंगे। अगला आ जाता है आपका 13 से 16 या अधिक वर्ष की अवस्था। यहां पर क्या होता है कि बच्चा परिपक्व हो जाता है, क्योंकि 13 से 16 तक आप देख रहे होंगे तो परिपक्व की एक पूर्णतः अवस्था आ जाती है और यहां पर बच्चा अधिक नैतिक हो जाता है, नैतिकता की पूरी अच्छी जानकारी से हो जाती है। अब यहां पर देखिए लगा है सामाजिक अनुबंधन। अब ये सामाजिक अनुबंधन से तात्पर्य क्या है कि जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन्हें वो फॉलो करता है मजबूती के साथ, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि जो ये नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा ये परिवर्तनशील हैं, मतलब इन्हें बदला जा सकता है अगर कहीं कमी है। यहां पर ये चीजें नहीं जानता था, यहां तक अब तक उसने सिर्फ फॉलो किया है, लेकिन जैसे ही इस अवस्था में आया 13 से 16 की में, तो अब वो समझ गया है नियम तो फॉलो करेगा, लेकिन क्योंकि नियम अच्छे भी होंगे कुछ कुछ खराब होंगे, तो जो खराब नियम होंगे उन्हें वो समझ जाएगा कि ये परिवर्तनशील है और उन्हें परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगली चीज बात करते हैं हम सार्वत्रिक नीति परक। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो सार्वत्रिक नीति परक होता है कि वो सभी नियमों को वो अपने अकॉर्डिंग स्वयं के अकॉर्डिंग देखता है। यहां पर क्या था, उसे पता चल जाता है परिवर्तनशील है, और यहां पर क्या करता है वो अपने द्वारा नियम बनाता है, अपने नियम का मतलब क्या है, अपनी दिनचर्या, जरूरी थोड़ी ना होता है कि समाज के लोग सुबह को उठ रहे हैं तो हम उतने ही टाइम को उठेंगे, वो अपनी दिनचर्या को अपने अकॉर्डिंग बनाता है, समझ लेना यहां पे। और क्या करता है, वो चिंतन भी करता है और सोचता विचारता भी है कि कौन सा नियम हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अब वो समाज को इतना वो नहीं देता, क्योंकि उसे अपने लिए नियम बनाने हैं, तो वो अपने विवेक के प्रयोग के आधार पर वो नियम बनाता है और उन नियमों को अपने पे अप्लाई करता है और उनका प्रयोग करता है। तो आपने देखा कि यहां पर जो अवस्थाएं थी वो आप सारी अवस्थाएं एक एक करके समझ गए होंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि जो आप अवस्थाएं पढ़ रहे हैं इसके अलावा अगर आपको लिखित रूप में ये चाहिए तो हमने जो ग्रुप आपको दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसे ज्वाइन कर लो और उसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में फैला दो, जिससे कि जैसे ही आपके जो अध्यापक की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 प्लस जैसे हो जाएंगे हमारे ग्रुप पर, हम वहां पर आपको ये जो चीजें समझाया करेंगे और PDF सीधा प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इससे बनने वाले हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जैसे कि जैसे ही हम जीन प्याजे खत्म कर दिया, कॉलर खत्म कर दिया और अगला हमारा है वाई बॉक्स की, तीनों हो जाने के बाद तीनों के एक साथ हम क्वेश्चन लेंगे और समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ऑड वन आउट, मतलब तीन नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसे बनाने का।
एक एलिमिनेट मेथड होता है जिसमें आपको एक ऑड मन आउट होता है और एक आपका होता है 100% श्योरिटी वाला। तो इन तीनों नियमों की भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो।